हमारे देश में आज भी हम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए लाला की दुकान पर ही जाते हैं, जबकि जापान में लोग लाला की दुकान पर नहीं बल्कि वेंडिंग मशीन पर जाते हैं। छोटे से जापान में लगभग 50 लाख वेंडिंग मशीन हैं, जबकि इतने बड़े इंडिया में यह इक्का दुक्का जगह पर ही दिखाई देती हैं। तो सवाल आता है कि आखिर वेंडिंग मशीन इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है। हमेशा की तरह आपको गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और उनके पास इतना टाइम तो कतई नहीं होता है कि दुकान पर जाकर लाइन में लग के सामान खरीदे। इसीलिए वह लोग वेंडिंग मशीन से सामान खरीदना प्रीफर करते हैं। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पर सस्ती लेबर काफी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए 2-3 लाख रुपए की छोटी सी वेंडिंग मशीन खरीदने से अच्छा है एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर ठीक ठाक सैलरी में उस पर एक बंदा रख दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेंडिंग मशीन से आप उधार नहीं ले सकते, लेकिन लाला की दुकान से ले सकते हैं। आप लाला की दुकान से सामान लेते हो कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कमेंट्स में बताइए।